थी वो तो छोड़ दूंगा। मेरे कहने के पाबंद तुम्हारी अपनी मर्जी कुछ नहीं, मेरी मर्जी। मिस्टर सिंह जी, दरअसल एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। मैं नहीं चाहती कि खुर्शीद को पता चले कि अल्तमश यहाँ आया था। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तस्वीरें बनाई हैं तो फिर जी छोटे साहब बना ली। तस्वीरें तो बहुत अच्छी हो, ये तस्वीरें मेहर अली खान को भेज दो। जो कौन छोटे साहब, भाई साहब आपसे गुजारिश करनी थी। कहो रशीदा, तुम्हारा कहना ही काफी है, गुजारिश कैसी, बैठो। मैं सोच रही हूँ कुछ अरसा गांव जाके रह लूं। ख्याल तो है, तुम्हें गांव जाने का ख्याल कैसे है? वर्षा वर्ष बीत गया, वो कच्चा कोठा किस हाल में मुड़के देखा ही नहीं। वहां की दीवारें, दरवाजे, मिट्टी का चोला, कब से मुझे बुला रहा है। अब सोचती हूँ एक बार मिल रहा हूं, कुछ अरसा वहां गुजार कर आऊ। जैसी तुम्हारी खुशी रशीदा, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता। जब जाना चाहो ड्राइवर को कह देना तुम्हें छोड़ आए गए, जब वापस आना चाहो तो कॉल कर देना। है मैं तो मुंतजर ही रहता हूं सबका, तुम्हारे लौटने का इंतजार भी करूं। शुक्रिया।
अल्तमश से तुम्हारी शादी ना हो सकी, तुम्हारा निकाह खत्म हो गया। इन सब के पीछे मामू की कोई तदबीर या अल्तमश की बेवकूफियों का ही हाथ नहीं है कि मकारियां साजिशें। किसकी साजिशों की बात कर रही हो तुम? मेरी मामा यानी तुम्हारी फुप्पो और रस्का की बात कर। जब तक हमारे वजूद में सांसें बाकी है, जब तक हमारे दिलों में धड़कने बाकी है, तब तक सब कुछ मुमकिन है। तो मैं एक दफा हाँ कर तो मैं हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दूँ। तुम कब आए? मैं सोच रहा था मैं आऊंगा और तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम तो यहाँ अपनी सोचों में गुम हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई आया था? नहीं, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? दरवाजा खुला है। वो मिस तज़मीन आई थी ना, अभी थोड़ी देर पहले गई। अच्छा खैर चलें। रास्ते में सब लोगों ने रुक के खाना खाया, मैंने नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो मैं खाना लगाती हूँ ना। तुम्हें सच में नहीं याद हमारी शाम को क्या बात हुई थी? खाना खाने जाना था हमने। हाँ याद आया, मैं तैयार भी हुई थी। देखो कैसी लग रही हो, तुम्हें ये रंग पसंद है ना? तुम पर तो मुझे सब रंग पसंद है, कुछ भी पहन लो, बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत भूख लग रही है, चलें। अस्का का बसना एक तरफ, रुतबा को भी सुकून से नहीं रहने दूंगा। मेरी एक आवाज आज भी उसे चैन और सुकून से महरूम कर सकती है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। इधर बैठकर खा लोगी रुतबा? हाँ
तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता? अब तो सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ भी क्या कुछ आता है, वजाहत जरूरी है। कॉलेज में कैसे पढ़ा लेते हो? कैसे पढ़ा लेते हो मतलब, शौक है मेरा, जुनून है, पैशन है। पहले पढ़ना तो सीखो। हर किताबें भी मायने रखती है, हर बात की वजाहत जरूरी है क्या? अच्छा लगता है तुम छुप छुप कर मेरी ही किताबें पढ़ रही। मैं भी कहूँ इतनी अकलमंद कब से हो गई? ओ, जितनी किताबें पढ़ के तुम में तो अकल नहीं आई। अगर इतनी किताबें मैंने पढ़ी होती ना तो मैं शायरा होती और कई शेर कह चुकी होती। शाह लो फिर आज से एक बात दे है, मेरी सारी किताबें भी तुम्हारी। तो फिर तुम क्या पढ़ोगे? खा रही हो ना रशीद, काफी नहीं है क्या? मैं समझी नहीं। समझ सकती तो ये नौबत ही क्यों आती कि हमारा भाई हमसे ज्यादा तुम्हारा दम भरता है, और तुम्हारी हैसियत इस घर में ज्यादा और हमारी कम ही क्यों होती? मालनुमा घर में मलका बन के फिरती हूँ और नजर आती हूँ मुलाजमा, ऐसा रूप हम तो नहीं धार सके रशीदा। इसीलिए जब भी आते हैं भाई के माथे की शिकने और लहजे की तलखी गिनकर चले जाते, लेकिन तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा सब ठीक है। पता है मेरा बचपन जिस इलाके में गुजरा है वहाँ बुनियादी सहूलतें भी ना होने के बराबर थी। एक ही स्कूल था और उस स्कूल में पढ़ने वाले सब गरीब बच्चों के अखराजात पता है कौन उठाता है? तुम्हारे वालिद साहब मेहर अली खान। बड़े एहसान हैं उनके इस इलाके के लोगों पर, मुझ पर, मेरे माँ बाप पर। मैंने भी अपनी बेसिक एजुकेशन उसी स्कूल से हासिल की। हालू को इश्क है तालीम से, तालीम याफ्ता लोगों से, ऊंचे ख्यालात से, पढ़ी लिखी सोच से। खारू जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, और मैं तो शायद कभी भी उन जैसा ना बन सकूं। तुम जानते हो
तुम जानते हो खुर्शीद, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। जब तुम अपने बच्चों को पढ़ाते हो, उनको समझाते हो, वो तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा इतना मान रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं भी थोड़ी सी तुम जैसी बन जाऊं। तुम ऐसी भी अच्छी हो। देखिए, मैं तुम्हारी कभी भी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करूंगा। तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो जरूर पढ़ो, फिर हम दोनों मिलके एक कॉलेज की बुनियाद रखेंगे। मेरे इलाके चलोगी मेरे साथ? ये लो, क्या हो गया? तुम खाया पिया करो, अपना ध्यान रखो। उसका 100 फिक्रें क्यों पाल ली है तुमने? देखो बेटा, जो तुम चाहती थी, जो तुमने मांगा, सब कुछ मिल गया ना, बाकी सब कुछ भी आहिस्ता आहिस्ता मिल ही जाएगा। बस एक बार अल्तमस की जुबान से सुन लूं कि सिर्फ मेरा है, रुतबा का जरा भी नहीं, फिर सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। जिस दिन उसको औलाद की खुशखबरी सुनाऊंगी, मेरा यकीन जानो उसका, उस दिन के बाद से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। खुद भी तो कितनी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। तुम्हें पता है, सुनो बरापा तड़प तड़प के रोया करती थी कि मेरी औलाद नहीं, और अब देखो, अगर अल्तमश ना पैदा हुआ होता ना, तो इस तरह अपने घर पर रानी बन के राज ना कर रही होती। तुम देखना आसका, जिस दिन तुम औलाद की खुशखबरी सुनाओगी, तुम भी उस घर पे पूरा पूरा राज करोगी। और तुम दोनों आपस में ना लड़ा करो। मैं तुम दोनों में इत्तफाक और मोहब्बत देखना चाहती हूँ। जब लड़ती हो ना दोनों, तो मेरा दिल उनके 100-100 आंसू रोता है। नमाज का बिल्कुल आपकी जैसी है। जिस तरह आपके दिल में सनोबर खाला, मामू जान, रुतबा सबके लिए बुराई रहती है, इस तरह उसका का दिल भी नफरत से भरा रहता है। सुनिए, आपने जब भी जुबान खोलती है ना, जहर उगलती है। इसकी यही बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जब सच जहर लगने लगे ना इसका, और आईना नाकाबले बर्दाश्त हो, तो चेहरा दुरुस्त करने की जरूरत होती है, और रो भी। मामा, वो मेरी फ्रेंड का भाई है हमदान, वो लोग मेरा प्रपोजल लाना चाह रहे हैं घर। हाँ कह दीजिएगा, क्योंकि मैं मजीद इस जहरीले और झूठे माहौल में नहीं जीना चाहती। फिर आप जी भर के इसका कुछ सपोर्ट कीजिए। आपको मैं कहती थी ना आपसे, चलती है मुझसे, जब से मेरी शादी हुई है ना, किसको अपनी शादी की पड़ी हुई है। फूल आ रहे से, खासी जल्दबाजी का मुजाहरा किया आपने।
चिंगारी को सुलगने में, उसका धुआं उठने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आप तो तमाशा देखने फौरन ही आ गई। बड़े अफसोस का मकाम है वैसे। एक बार सामान चेक कर लो, आई थिंक पूरा ही है। ऑयल भूल गए। I'm sorry, मुझे बिल्कुल या। लेकिन मैं क्यों सॉरी कह रही हूँ? मतलब मैं तो बुद्धू हूँ, पर तुम तो स्मार्ट हो। प्रोफेसर बने नहीं, और अभी से ही हाल है। अच्छा, दुकान खुली होगी, मैं ले आता हूँ। पक्का? या या। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए तब तक चाय बनाऊंगी, लेकिन जल्दी आ जाना प्लीज। Sure. वो बात, चॉकलेट का बड़ा डब्बा भी कर देना। चॉकलेट तो जरूर बेगम के लिए खरीदी जा रही होगी, लेकिन हमें ट्रीट चाहिए। आप लोग यहाँ दूसरी हुई वॉक के लिए निकले थे, तो सोचा ग्रोसरी भी कर लें। जी, आप खवातीन को तो बस बहाना चाहिए होता है, चाहे वो कुकिंग ऑयल ही क्यों ना हो, क्योंकि ऑयल नहीं होगा ऑमलेट नहीं बनेगा, ऑमलेट नहीं बनेगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा, और अगर नाश्ता ना मिला तो मूड खराब। बिल्कुल। एक घरदार ये पुशे साहब, दो सबों का लेक्चर नहीं। अंदाजा हो चुका है जी मुझे। तुम्हारे लिए कुछ भी करते हुए ये अनजानी सी खुशी जो दिल में उभरती है खुर्शीद हसन, उसे कोई नाम देते हुए दिल क्यों डरता है? समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये दिल कब तक डरेगा। तुम्हारी आंखें हौसला देती हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट पास बुलाती है, पर तुम्हारी खुद्दारी और संजीदगी दहलीज पर ही रोक देती है। हाँ, लेकिन रुतबा मेहर अली खान को बहुत कुछ सिखा दिया है तुमने, ये सब्र, हौसला, बर्दाश्त और किसी के लिए बहुत कुछ करने की ख्वाहिश तुमसे सीख ली है इस दिल ने। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को ये खुश देखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जमीन। वैसे सच कहूँ तो मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतना अच्छा और खूबसूरत भी हो सकता है। खैर, मैं चलता हूँ। वाह, मैं ऑयल ले आया हूँ। और तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आया हूँ सर। रुतबा, चाय भी तैयार है, तुम तो जल्दी आ गए। खुर्शीद, खुर्शीद क्या हुआ है? तुम अब भी अल्तमिर से मिलती हो? तुम
तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हमारे रिश्ते की सिर्फ एक ही अच्छी बात कि हम एक दूसरे से सच बोल। लेकिन मुझे आज पता लगा है हमारे रिश्ते में ना कोई अच्छी बात है और ना ही कोई सच्ची बात। से जाओ रशीदा, मैं गांव देखो जब तक खुशी से वहां रह सको रहने ना। मैं इनकी वाबस्तगी और ताल्लुक को बहुत इज्जत देता हूं। जब यहां के रास्ते आवाज दें तो चली आना, मैं तो मुंतजर ही रहूंगा। कर्जदार हूं तुम्हारी मोहब्बतों का, एहसान मंद हूं तुम्हारी खिदमतों का, मेहरबानियों का, पर कर्जदार दिल आहट पे कान धक के बैठा रहता है, ये याद रख लो। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, रशीदा को तो रो रो आपका एहसान बंद है, आपको दुआएं देते हैं। कड़ी धूप में जो साय की माने लो, उनसे ज्यादा देर दूर रहा नहीं जाता। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी भाई साहब। कोई भी दिली वाबस्तगी क्यों ना हो, आपकी बेलौस मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं। मैं चलती हूँ भाई साहब, खुदा हाफिज। अल्लाह की अमान। इंसान घर में नहीं बसता मेहर अली, इंसान सिर्फ दिल में खुशी से बसता है। इंसान धड़कन और सांसों के बल पर नहीं जीता, मोहब्बत और एतबार के बल पर जीता है। जब अपने प्यारों के दिल में जीने और बसने को जगह न मिले तो घर पनागा नहीं रहते मेहर अली। दरअसल एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। मैं नहीं चाहती कि खुर्शीद को पता चले कि अल्तमश यहाँ आया था।
ठीक है, थैंक यू सो मच। सबा बखैर, मैं अंदर आ सकती हूँ? वो खुर्शीद साहब घर पे ही हैं या निकल गए कॉलेज के लिए? वो घर पे हो या कॉलेज में, आपकी पहुंच से दूर तो नहीं। वैसे खासी जल्दबाजी का मुजाहरा किया आपने, चिंगारी को सुलगने में उसका धुआं उठने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आप तो तमाशा देखने फौरन ही आ गई। बड़े अफसोस का मकाम है वैसे। आपको एहसास होना चाहिए कि आप खुर्शीद साहब की बेटर हाफ। अल्फाज शख्सियत का आईना होते हैं। साथ रहने वाले से गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम सीखा जा ही सकता है। लेकिन क्या करें, वाकई अफसोस का मकाम है। आपको मैं खुर्शीद के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, कहीं तो जगह छोड़ दूं? रुतबा, सामने वाला अगर इज्जत दे तो उसे संभालने का हुनर सीखिए। आप, रब ने आपको हर शय से नवाजा है, लेकिन आपको तो कुछ भी संभालना नहीं आता, ना मोहब्बत, ना इज्जत, ना एहतराम। मुझे डर है आप ये सब कहीं खो ना दें। लम्हे अपने मुकाम से गिरने की ख्वाहिश बहुत शदीद हो जाती है। काश मैं भी उतना ही गिर सकता जितनी आज तुम मेरी नजरों में गिर चुकी। नहीं रुतबा, नहीं, ऐसी जिंदगी बसर नहीं होगी। झूठा चेहरा, झूठी आंखें, झूठा ताल्लुक, झूठा रिश्ता, ये सब एक सजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मैं इस सजा को नहीं मानता। अस्सलाम वालेकुम लाल खान, सब खैरियत है?
अच्छा हम बस पहुंच रहे हैं। सामने वाला अगर इज्जत दे तो उसे संभालने का हुनर सीखिए। रब ने आपको हर शय से नवाजा है, लेकिन आपको तो कुछ भी संभालना नहीं है, ना मोहब्बत, ना इज्जत, ना एहतराम। मुझे डर है आप ये सब कहीं खो ना दें। किसी ने मैं अपने मुकाम से गिरने की ख्वाहिश बहुत शदीद हो जाती है। काश मैं भी उतना ही गिर सकता जितनी आज तुम नई नजरों में गिर चुकी। वापस जा रही हूँ, गाड़ी बुलाई है, ड्राइवर आ गया है। हम साथ ही जाएंगे। खालू हॉस्पिटल में उनको हार्ट अटैक आया, फौरन जाना हो।